गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, मी प्रियंका फ्रॉम द विजडम स्कूल सिरसा। स्टूडेंट्स, देखिए आपके लास्ट वीक टेस्ट चल रहे थे। आई होप कि आपके जो टेस्ट हुए हैं बहुत अच्छे से हुए होंगे। एंड नेक्स्ट, और अब हम जो हमारा नेक्स्ट वर्क है वो हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ओके, व्हाट इज डे टुडे? टुडे इज वेडनेसडे। एंड व्हाट इज डे टुडे? 10th of June 2020। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम काम करेंगे, क्या करेंगे, हमारी बुक अलंकृत है, क्लास थर्ड। ध्यान से देखिए, अलंकृत हमारी बुक है, उसमें जो हमारा पार्ट नंबर एक है, जो हमारा टॉपिक नंबर एक है भाषा, ये आज हम रीड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम रीड करते हैं। आप इसे अपनी बुक को खोल लीजिए और अच्छे से और ध्यान से सुनिए और समझिए। स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले इस पाठ में क्या दिया हुआ, भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप, अलग बोलियों व भाषाएं, अलग बोलियां व भाषाएं। अब देखिए आरंभक, अब इसमें ये कुछ चित्र दिए हुए हैं। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन सा मौखिक है और कौन सा लिखित है। तो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि पहले हम ये मैं आपको लेसन रीड करवाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगी कि कौन सा चित्र मौखिक है और कौन सा चित्र लिखित है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम यहाँ से रीड करते हैं। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। देखिए चित्र दिए हुए हैं, तीन बच्चे हैं इस चित्र में, दो बच्चे तो फोन पर बात कर रहे हैं और एक ये लड़की है जो ये अपना गृह कार्य कर रही है। देखिए, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। दो मित्र आपस में बातें कर रहे हैं। रवि ने रमेश से पूछा, रमेश तुम और तुम्हारी बहन रूपा क्या कर रहे हैं? अब देखिए किससे दो मित्र आपस में बात कर रहे थे, रवि ने। अब रवि है ये, रमेश से पूछा कि तुम और तुम्हारी बहन रूपा क्या कर रही है। अब रमेश ने हंसकर जवाब दिया, मैं टीवी देख रहा हूँ और रूपा अपना गृह कार्य पूरा कर रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या है, अब ये भी बोल रहा है फोन पर। फोन पर कौन कौन बात कर रहा है, ये दोनों बात कर रहे हैं, रवि और रमेश। और अब रूपा क्या कर रही है इसमें, रूपा जो है अपना गृह कार्य कर रही है। वो गृह कार्य कैसे कर रही है, बोलकर कर रही है या लिख कर कर रही है? तो स्टूडेंट्स, वो लिख कर रही है। अब देखिए इसमें ये अपना कार्य लिख कर रही है और ये दोनों अपना काम कैसे कर रहे हैं, बोल कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट पेज पर आ जाइए स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब समझकर बताइए। देखिए यहाँ, देखिए बच्चों ये लिखा हुआ ही आ गया है। देखिए अब यहाँ आपको समझाना आसान हो गया है। रवि और रमेश किस पर बातें कर रहे हैं? देखिए दोनों फोन पर बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब देखिए नंबर दो, रूपा क्या कर रही है? रूपा क्या कर रही है स्टूडेंट्स, गृह कार्य लिख रही है। अब देखिए जो दोनों फोन पर बातें कर रहे हैं वो तो हुआ मौखिक रूप, और जो रूपा क्या कर रही है वो गृह कार्य कर रही है, मीन्स ये हुआ लिखित रूप। तो स्टूडेंट देखिए, हम अपनी बात लिख कर या बोल कर ही दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। ये सब कुछ हम भाषा के द्वारा ही करते हैं। अब देखिए भाषा की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम मन के भावों को एवं विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए या ऐसे आप इसे टिक कर लीजिए, ये भाषा की परिभाषा है। अब देखिए बच्चों, भाषा के रूप, क्लास थर्ड, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। भाषा के दो रूप होते हैं, देखिए नंबर एक मौखिक भाषा और नंबर दो लिखित भाषा, तथा एक अन्य है संकेतिक भाषा। संकेतिक भाषा होती जो हम इशारों से समझाते हैं, उसे संकेतिक भाषा बोली जाती है। और भाषा जो अब मान्य, यह भाषा जो अब मान्य नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मौखिक भाषा के बारे में हम पढ़ते हैं कि मौखिक भाषा क्या होती है। माँ अपने बेटे को पढ़ा रही है, अध्यापिका बोर्ड पर लिख कर समझा रही है। अब देखिए इन दोनों का फर्क मैं आपको समझा रही हूँ।
मौखिक भाषा, अपनी बात को बोलकर समझाना और दूसरों की बात सुनकर समझना। अब देखिए, जैसे मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये क्या हुआ? मौखिक रूप हुआ, मींस मौखिक भाषा का एक रूप हुआ। अब देखिए नंबर दो, लिखित भाषा, अपनी बात को लिखकर समझाना और दूसरों की बात को पढ़कर समझना। अब देखिए कैसे टीचर अपने बोर्ड पर बच्चों को कैसे लिखकर समझा रही है और आप क्या कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो बोर्ड से पढ़कर समझ रहे हैं। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये लिखित भाषा हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए भाषा की परिभाषा क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम मन के भावों एवं विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, वह भाषा कहलाता है। और भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब देखिए इसमें पशु पक्षी भी अपनी बात समझाने के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। अब देखिए संकेतिक भाषा, जो माने नहीं है बट मैं फिर भी आपको रीड करवा देती हूँ क्योंकि इसमें दिया हुआ है। कभी कभार हम भी अपनी बात कहने के लिए इशारों का प्रयोग करते हैं, जैसे आंखों के इशारों से कुछ कहना, होंठ पर उंगली रखकर चुप करवाना इत्यादि, यह संकेतिक भाषा है। और संकेतिक भाषा को हम भाषा के रूप में शामिल नहीं करते, भाषा में हम केवल उसके मौखिक रूप और लिखित रूप को ही शामिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, और जैसे जर्मन, रूसी, अंग्रेजी, चीनी, जापानी आदि, हमारे देश में भी अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अब देखिए जैसे पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी, ये हमारे अलग अलग राज्य दिए हुए हैं, बंगाल में बंगाली और तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया, कर्नाटका में और अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। देखिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। यह बहुत से राज्यों में बोली जाती है। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए हम हर साल हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को इस राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो स्टूडेंट्स, जो मैं आज का लेसन है, आज का टॉपिक है, मैं आपको यहाँ तक करवाऊंगी। एंड नेक्स्ट जो है लिपि, ये हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो है हमारा यहाँ तक ही हम रीड करेंगे, और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बहुत अच्छे से हमने रीड किया है, आप भी इसे एक बार फिर से रीड करना और समझना अच्छे से। और इसमें एक देखिए आपने क्या सीखा, ये मैं आपको ये 4 क्वेश्चंस हैं ये करवा देती हूँ। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। भाषा में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। तो स्टूडेंट्स, आपका जो ये वर्क है यहाँ तक कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रह गया है लिपि, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।